हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक यूट्यूबर हैं और आपने अभी अभी एक नया चैनल क्रिएट किया है और उस चैनल पर स्टार्टिंग में जो व्यूज़ है किस तरह लाए, या फिर स्टार्टिंग में जो व्यूज़ है उस पर 10, 15 या 20, 25 पर आकर रुक जाते हैं, तो आपको ऐसी क्या ट्रिक अपनानी है कि जिससे जो आपका चैनल है अच्छे से अच्छे व्यूज आए उस पर और आपकी जो वीडियो है रैंक कर जाए और एक दिन आपकी वीडियो वायरल हो जाए। तो ऐसी क्या ट्रिक अपनाएं कि आपके जो चैनल पर जो वीडियो है उन पर अच्छे खासे व्यूज आ जाए, तो ये वीडियो आपके काम होने वाली है। जी हाँ, मैंने भी अपना चैनल मोनेटाइज करवाया है और मैंने ऐसी क्या ट्रिक अपनाई और ऐसी क्या चीज़ों को मैंने अपनी वीडियो पे अप्लाई किया कि जिसकी वजह से जो मेरे चैनल पर जो व्यूज है वो बढ़ गए और जो मेरी वीडियो पर जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने लगे और मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो गया। चलिए शुरू करते हैं इसी वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल मनन कश्यप ब्लॉग में। जैसा कि सबका सपना होता है, एक यूट्यूबर का सपना होता है कि उसके चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए और उसका चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, उसकी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करे, वायरल होए। तो यदि आप एक नए यूट्यूबर है तो स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, कुछ बातों को अप्लाई करना होगा अपने चैनल पर वीडियो पर, तो आपके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। जी हाँ, मैंने अपने चैनल पर इसी तरह की बातों को अप्लाई किया था और मैंने कौन सी गलती मैंने की थी मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगी और इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अपने चैनल पर ऐसी कौन सी गलती की जो आपको नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो नया चैनल होता है उस पर जो स्टार्टिंग में व्यूज लाने होते हैं वो नहीं आ पाते, तो हम क्या गलती ऐसी करते हैं कि जो हमारे जो व्यूज है 10, 15 या 20, 25 पर आकर रुक जाते हैं। सबसे पहली बात आती है टाइटल की। यदि आपकी वीडियो का जो टाइटल है कैची है और ऐसा है कि कोई भी व्यूअर्स आकर उस पर रुक जाता है और उस पर क्लिक किए बिना वो नहीं रहता, तो ऐसा जो टाइटल है आपका वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कैची होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो सर्चेबल हो। ओके, यदि आपका वीडियो का जो टाइटल है सर्चेबल होगा तो यूट्यूब उसकी वीडियो को जो है रिकमेंडेशन में भेजता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उस पर जो आपके जो व्यूज है ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो सबसे पहली बात आती है टाइटल की। तो टाइटल जो है वो कैची होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हो कि हर कोई उसको सर्च करके देखे। जैसे कुकिंग का चैनल है तो कुकिंग के चैनल पर हम क्या टाइटल ऐसा क्या रखें, जैसे हम कोई कुकिंग की वीडियो बनाते हैं तो कुकिंग की वीडियो में अगर हम कोई खाना बना के रेसिपी बना के दिखाते हैं तो उस वीडियो को हम टाइटल इस तरह दें कि वो कोई भी बंदा सर्च करे तो उसकी जो आपकी वीडियो है सबसे टॉप पर आए। तो कोशिश कीजिए जो आपका जो टाइटल है वीडियो का वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि जो व्यूअर्स है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें। सेकेंड बात आती है हमारी थंबनेल की। यदि हमारा थंबनेल काफ़ी अच्छा है तो यूट्यूब जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो को और रैंक करवाता है और रिकमेंडेशन में भेजता है, और आपका जो थंबनेल है उसको सबसे पहले जब स्क्रॉल हम करते रहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो हमारा वो होता है थंबनेल का, कि हमें जो सबसे ज़्यादा थंबनेल अच्छा लगता है तो हम उस पर क्लिक करते हैं। तो सबसे बेस्ट थंबनेल लगाइए और आप YouTube पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि अच्छे से अच्छा थंबनेल कैसे बनाएं। जैसे कि पिक्सल ऐप होता है तो पिक्सल ऐप पे हम काफ़ी अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐप है जिसमें हम अच्छे से अच्छा थंबनेल बना सकते हैं, और उस थंबनेल पर आप जो टाइटल लगाते हैं, जो कीवर्ड्स लगाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लगाइए तो आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करेगी। अब नेक्स्ट बात आती है कि अब क्या अपनी वीडियो को शेयर करना चाहिए। तो आज मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताती हूँ कि मैंने कई सारे चैनल बनाए बट जो मेरे चैनल थे स्टार्टिंग में तो उसमें व्यूज आए, काफ़ी अच्छे व्यूज आए, लेकिन मैंने कहाँ गलती कर दी कि जैसा कि हर कोई यूट्यूबर यूट्यूब पे नया होता है तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो क्या करता है कि दूसरे का कंटेंट उठा के थोड़ा बहुत डाल देता है, तो उससे बाद में क्या रियूज कंटेंट का या फिर वायलेंस आता था कम्युनिटी गाइडलाइंस का। तो आपको ये गलती नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। यदि आप दूसरे का कंटेंट यूज़ करते हैं
तो आपको क्या करना है उसमें अपनी कुछ फेस वैल्यू रखी है, अपनी वॉइस वैल्यू रखी है, जिससे उसमें रील्स कंटेंट ना है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें आपकी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि इसने इसमें कुछ ना कुछ अपना वैल्यू ऐड की है। तो और दूसरी बात आती है कि आपको अपना वीडियो जो है शेयर करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि स्टार्टिंग में लोग उसमें व्यूज लाने के लिए, अपनी वीडियो पर व्यूज लाने के लिए, स्टार्टिंग व्यूज नहीं आते तो अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए अपनी फैमिली में स्टेटस पे या फिर फ्रेंड या फैमिली सर्कल में उस वीडियो को शेयर कर देते हैं। तो शेयर करने से क्या होता है कि यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये बंदा खुद ही अपनी वीडियो को शेयर कर रहा है और उस पर यानी व्यूज़ बढ़ा रहा है। तो आपको ये गलती नहीं करनी और वो वीडियो जो है आपकी यूट्यूब रिकमेंडेशन में नहीं भेजता। तो आपको अपनी वीडियो को यानी कि किसी को शेयर नहीं करनी, जिससे क्या होगा आपकी वीडियो एकदम ओरिजिनल व्यूज पर रहेगी और जो यूट्यूब है आपकी वीडियो आज नहीं तो कल रिकमेंडेशन में भेजेगा और आपकी वीडियो एक ना एक दिन वायरल ज़रूर होगी। कई बार क्या होता है कि कईयों की वीडियो जो है जल्दी ही एक या दो महीने में उसका जो चैनल है ग्रो हो जाता है और कईयों का काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ओरिजिनल जो रहता है चैनल उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आते हैं और जो यूट्यूब है उसको जल्दी से जल्दी रैंक करवाता है चैनल। आप बात करते हैं कि क्या हमें दूसरों को शेयर करनी चाहिए, दूसरों को शेयर करने से हमें क्या नुकसान होता है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि यदि हम किसी को शेयर करते हैं, फैमिली को या रिश्तेदार को शेयर करते हैं, फ्रेंड को शेयर करते हैं, जैसा कि कई लोग स्टार्टिंग में करते हैं, मैंने भी किया था और लेकिन मैंने धीरे धीरे सीखा इसको और मैंने अपने नए चैनल पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आपको क्या गलती करनी नहीं है कि अपनी वीडियो को शेयर नहीं करना। यदि आप शेयर करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि कई बार हम शेयर कर देते हैं फैमिली में तो उनको नॉलेज तो होती नहीं है, वो सोचते हैं भाई इसने नया चैनल क्रिएट कर लिया है, अब इसके अगर व्यूज आएंगे और इसका चैनल रैंक कर जाएगा और उस पर क्या होगा इसकी कमाई होने लगेगी, फिर वो क्या करते हैं उस वीडियो को देखते नहीं है, क्लिक करके छोड़ देते हैं। तो क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट यूट्यूब के पास पहुँचता है कि भाई ये तो इसकी वीडियो मतलब उतनी मज़ेदार नहीं है, अच्छी नहीं है, तो इस पर क्लिक नहीं करना, नहीं करते जो है व्यूवर्स, तो मतलब इसकी वीडियो अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस वीडियो में वैसे कोई बात नहीं है कि ये वीडियो रैंक करेगी, तो वो रिकमेंडेशन में नहीं भेजता। तो अपनी वीडियो को किसी भी फैमिली में, रिश्तेदार में, फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर नहीं करना। आपको क्या करना है, अपना नए चैनल पर अपनी 10-12 वीडियो ऐसे डालनी है जो बिल्कुल ओरिजिनल हो। स्टार्टिंग में बता रही मैं कि आपका नया चैनल है उस पर व्यूज़ कैसे लाने हैं आपको, तो स्टार्टिंग में नए व्यू वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए आपको 10-12 जो वीडियो है आपको बिल्कुल ओरिजिनल डालनी है और उनका जो टाइटल है काफ़ी अट्रैक्टिव रखना है और अच्छा रखना है और उसका जो थंबनेल है आप बेस्ट बना के डालिए। अपनी कोशिश कीजिए कि उस पर जो थंबनेल है और टाइटल काफ़ी अच्छा डालिए। आप देखेंगे कि जो 10-12 वीडियो आप डालते हैं और वो जल्दी से जल्दी उस पर व्यूज़ बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ये मेरा आजमाया हुआ है, तो आप भी कोशिश करके देखिए। ये जो यूट्यूब है आपकी वीडियो को ओरिजिनल काउंट करता है कि इस बंदे ने अपनी फेस वैल्यू दी है और अगर वॉइस वैल्यू देते हैं तो काफ़ी अच्छी होती है, तो वो वीडियो जल्दी जल्दी वायरल होती है। आपकी 2-3 वीडियो अगर वायरल हो गई तो आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करता है, उस पर लाखों व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आज मैंने जो चीज़ें बताई ये मैंने अपने चैनल पर आजमाई हुई है और मेरे अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया है। तो कोशिश कीजिए आप भी इन बातों को ध्यान में रखिए, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएँ और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पाएँ और इसी तरह टिप एंड ट्रिक देखने के लिए, सीखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।